नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे स्टूडेंट जावेद जी को सिमी। दोस्तों, आज किस वीडियो में रहेगा लॉस एंड प्रॉफिट यानी लाभ और हानि से संबंधित ये सवाल रहेगा, जो कि बेसिक से जानकारी देने वाले हैं। तो वस्तु के खरीदने की मूल को क्रय मूल कहते हैं और वस्तु के बेचने को विक्रय मूल कहते हैं। यदि वस्तु का विक्रय मूल क्रय मूल से अधिक होता है तो वस्तु को बेचने में लाभ होता है। सिर्फ नहीं, अपन वापस जो कर एक मात्रा नहीं लगाते, भूल गए थे लगाने के, तो पर बेचने में लाभ होता है। यदि वस्त्र यानी कि जैसे आप मान लीजिए वस्त्र का क्रय मूल 500 रुपये है और उसे आप विक्रय करते हैं 650 रुपये में, तो यहाँ पर लाभ होगा। तो यहीं पर यह बताया गया है, यदि वस्त्र का विक्रय मूल क्रय मूल से अधिक होता है तो वस्तु को बेचने में लाभ होता है। यदि वस्त्र का क्रय मूल विक्रय मूल से अधिक होता है तो वस्तु को बेचने में हानि होती है। जैसे मान लीजिए 300 रुपये में खरीदे और 250 रुपये में बेच दे, तो यहाँ पर हान होगी। तो उसका लाभ निकालने के लिए फार्मूला होता है लाभ बराबर विक्रय मूल माइनस क्रय मूल, और हान बराबर होता है क्रय मूल माइनस विक्रय मूल। तो एग्जाम्पल के लिए रामू ने एक टेलीविजन ₹600 में खरीदा और उसे 650 में बेच दिया। बताओ उसे लाभ हुआ या हान, और कितनी? अगर 600 रुपये में बेचा सॉरी 600 रुपये में खरीदा टेलीविज़न, 650 में बेच दिया, तो कंफर्म है कि लाभ ही होगा। तो लाभ कितना होगा, चलिए अब जान लेते हैं। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल माइनस क्रय मूल। क्रय मूल कितना है, 600 रुपये, विक्रय मूल है 650 रुपये, तो लाभ बराबर विक्रय मूल माइनस क्रय मूल। तो विक्रय मूल कितना है, 650 में बेचा, 600 रुपये में खरीदा, तो 650 में 600 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 50 रुपये, यानी कि लाभ बराबर 50 रुपया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किसी वस्तु का क्रय मूल ₹300 और विक्रय मूल 250 है, तो प्रतिशत हान बताओ। यानी यहाँ पर हान हुआ है तो कितना प्रतिशत हान हुआ है, वही हमें यहाँ पर बताना है। तो क्रय मूल कितना है, ₹300, विक्रय मूल ₹250 है, यानी कि ₹300 में खरीदा और 250 में बेच दिया, तो यहाँ पर कन्फर्म ये हो गया कि यहाँ पर हान हुआ। तो हान बराबर क्या होता है, क्रय मूल माइनस विक्रय मूल। 300 रुपये में खरीदा जो कि क्रय मूल हो गया, 250 रुपये में बेच दिया जो कि यहाँ पर हान हुआ। तो हान बराबर कितना हुआ, 50 रुपये हान हुआ। अब यहाँ पर आपको प्रतिशत बताना कि कितना प्रतिशत हान हुआ। तो ₹300 पर हान 50 हुआ, तो ₹1 क्रय मूल पर हान ₹50/300। अब यहाँ पर आप डिवाइड कर देंगे तो हान प्रतिशत हो जाएगा 16.66%, यानी कि हान बराबर 16.66% की हान हुई, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन ने ₹550 की एक घड़ी खरीदा, वह घड़ी कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% लाभ हो। यानी कि एक घड़ी जो 550 में खरीदा, वह कितने रुपए में घड़ी बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। तो लाभ कितना चाहिए, 10% चाहिए। ₹100 की वस्तु, अगर मान लीजिए 100 रुपये की घड़ी खरीदे और आप उसे 110 में बेचते हैं तो 10% लाभ होता है। तो 1 रुपये वस्तु रुपया बराबर 110/100 में बिकेगी, तो ₹550 की घड़ी बेचेगा, 110×550/100, तो 1 0 से 1 0 यहाँ काटेंगे, 0 से 1 0 यहाँ काटेंगे, बचा कितना 11×55। तो 55 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 605 आ जाएगा। यानी कि जो 605 रुपये में घड़ी बेचने पर 10% लाभ होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा।